ये है आर्ट लाइन पेंसिल 80 रुपये वाला और ये है स्टेडलर पेंसिल 1200 रुपये वाला। इस दोनों पेंसिल्स की मदद से मैं आप लोगों को आज ड्राइंग करके दिखाऊंगा। इस पेंसिल से ड्राइंग करने में आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देखना। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ये पेंसिल्स किस तरीके से काम करता है और उसके बाद ड्राइंग को शुरू करेंगे, तो देखते हैं चलिए। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आर्ट लाइन के पेंसिल के दोनों साइड पे कलर है और मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि आर्ट लाइन का पेंसिल किस तरीके का है। यहाँ पर देख सकते हैं अभी दोस्तों मैं यूज़ कर रहा हूँ स्टेडलर लूना वाटर कलर पेंसिल और इसमें बहुत सारे शेड्स है। रेड कलर का यूज़ करने के बाद मैं ब्लैक कलर का भी यूज़ करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आर्ट लाइन का पेंसिल जब भी मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें प्रेशर का यूज़ ज़्यादा करना पड़ रहा है मुझे, लेकिन जो स्टेडलर का पेंसिल है उसमें उतना ज़्यादा प्रेशर का यूज़ करना नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। मुझे लगता है कि आर्ट लाइन के पेंसिल से थोड़ा सा डार्क है स्टेडलर पेंसिल और ड्राॅइंग को बनाने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा पेंसिल बेस्ट है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अभी से वीडियो को एक लाइक कर दो। चलिए शुरू करते हैं। दोनों साइड पे ड्राइंग करने के लिए इस आउटलाइन के ऊपर मैं एक लाइन खींच दूंगा स्केल की मदद से, ताकि दोनों कलर पेंसिल का यूज़ करके मैं ड्राइंग को बना सकूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आउटलाइन का सस्ती वाली पेंसिल यूज़ कर रहा हूं और एक साइड को मैं सिर्फ ड्राइंग बनाऊंगा। मैं इस ड्राइंग को एकदम सिंपल टेक्निक के यूज़ करके बना रहा हूँ, जिस तरीके से मैं हमेशा से बनाता हूँ। पहले मैं लाइट टोन को दे रहा हूँ, उसके बाद धीरे धीरे डार्क बना रहा हूँ। और दोस्तों मैं बहुत ही धीरे धीरे ड्राइंग को बना रहा हूँ, आप लोगों को मैं टाइम लैप्स पे दिखा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो जो है बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं डेडपुल का जो सूट है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा टेक्सचर है, उसको भी मैं बहुत ही अच्छे तरीके से दे रहा हूँ। और मैं ज़्यादातर शार्पनर का यूज़ कर रहा हूँ शार्प करने के लिए, नहीं तो मैं छोटे छोटे पोर्शंस को नहीं दे सकता। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा है कि एक साइड को मैंने ड्रॉ कर लिया है सस्ती वाली पेंसिल की मदद से और ये पेंसिल जो है आर्ट लाइन का पेंसिल है, 80 रुपये वाला पेंसिल है, तो पेंसिल जो है बहुत ही ज़्यादा सस्ती है और इसका लीड भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, इसलिए मुझे बहुत दिक्कत भी हुआ है इसको ड्रॉ करने में, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट दिया है इसमें। अभी दोस्तों मैं स्टेडलर लूना वाटर कलर पेंसिल यूज़ करूँगा जो कि 48 शेड्स का है मेरे पास और इसमें दोस्तों मैक्सिमम कलर्स ही बहुत सारे शेड्स में मिल जाती है। दोस्तों इसका जो लीड है थोड़ा सा सॉफ्ट है और मुझे डार्क करने में भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बहुत ही आसानी से मैं डार्क कर पा रहा हूँ। Thank you.
दोस्तों इस पेंसिल की मदद से आप लोग दो तरीके से ड्राइंग को बना सकते हैं, एक पानी के साथ और एक पानी के बिना। इसीलिए दोस्तों जब भी मैं ड्राइंग को बना रहा हूँ उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं हो पा रहा है। दोस्तों दोनों कलर पेंसिल यूज़ करने के बाद मुझे लगता है कि दोनों पेंसिल से बहुत ही अच्छी तरीके से ड्राइंग आप बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों आर्ट लाइन का पेंसिल का लीड थोड़ा सा हार्ड लगा है मुझे और कलरिंग करने में भी मुझे प्रॉब्लम हो रहा था। मैं जितना भी कोशिश कर रहा था डार्क करने की उतना ज़्यादा डार्क नहीं हो पा रहा था, लेकिन जो कलर है वो बहुत ही स्मूथ है। स्टेडलर पेंसिल का लीड बहुत ही सॉफ्ट था और डार्क करने में भी मुझे मदद हो रहा था, लेकिन जो स्मूथनेस है वो थोड़ा सा कम लगा मुझे। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ड्राइंग किस तरीके से बना है दोनों का। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ड्राइंग किस तरीके का बना है, दोनों साइड को आप लोग देख सकते हैं। और मुझे तो कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन सा ड्राइंग बेस्ट लग रहा है, तो आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताना कि कौन सा ड्राइंग आप लोगों को बेस्ट लगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर आप अपने भाई को सपोर्ट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियोज़ आप लोगों को आसानी से मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।